नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय पौड़ी भ्रमण के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के तहत सीएम ने कई विकास योजनाओं की सौगात शहरवासियों को दी। रामलीला मैदान में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जनपद के कालागढ़ क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस देने और श्रीनगर में पानी के मीटर लगाने वाले लोगों को जल जीवन मिशन के तहत 20,000 लीटर पानी फ्री में देने की घोषणा की है। इसी के साथ सीएम ने ये भी जानकारी दी कि पौड़ी नगर के हेली सेवा से जुड़ने के लिए काम करने की बात कही है। चमोली में अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मियों ने अपने काम का बहिष्कार शुरू कर दिया है और इस मामले में ज्ञापन मनरेगा कर्मियों ने खंड विकास अधिकारियों को सौंपा है। दिए गए ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा, मनरेगा कर्मियों के सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और हड़ताल अवधि 84 दिन के समय का मानदेय अतिशीघ्र भुगतान किया जाए और कोविड काल में किए गए काम को लेकर मनरेगा कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। कर्मी विगत 15-16 वर्षों से यहाँ पे मनरेगा में काम कर रहे हैं और आज तक सरकार ने मनरेगा कर्मियों के भविष्य के साथ अभी तक न तो मानदेय की वृद्धि की है, न तो अन्य सुविधाओं में इन्होंने कोई फैसला लिया है और हमारी सरकार से यही मांग है कि विगत दो तीन महीने में जो हम लोगों ने हड़ताल की उसका मानदेय दिया जाए, हिमाचल की तर्ज पर पे ग्रेड वेतन दिया जाए। वर्तमान समय को देखते हुए मनरेगा कर्मी को एक सम्मानजनक मानदेय या सुविधाएं दी जाए। तो बताइए, हमारी मांगें कितने टाइम से हम लड़ रहे हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि इस टाइम पे कोरोना चल रहा है तो इसमें ये लगाओ कि सरकार की भी तो कमी है। 3-4 महीने पहले हमने हड़ताल करी थी जिसमें कि बहुत लंबी हड़ताल चली थी, जिसमें कि हमको ये आश्वासन दिया था कि आपको हड़ताल के पीरियड की भी सैलरी दी जाएगी और आपकी सैलरी में इजाफा किया जाएगा, आपको अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन इतना टाइम बीत गया, फिर कोरोना का कहर चल रहा है तो हमको लगाओ कि हमको 7-8 महीने से कम सभी को सैलरी नहीं मिली है। तो आप ये लगाओ कि इस महंगाई के दौर में अगर किसी की 1 महीने की सैलरी भी रुकती तो कितना बुरा लगता है। हमारी तो 7-8 महीने से सैलरी रुकी हुई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको दोबारा से 4 दिनों में इसका अच्छा डिसीजन ले लिया तो हम भी संवेदना को समझते हुए कोरोना ये तो मतलब हमारी मजबूरी हो गई है। आज उन्होंने मुझे अपना सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है कि जो मतलब जैसे उनका मानदेय इत्यादि ये नहीं मिला है तो उसके संबंध में अपनी विभिन्न मांगों संबंध में हड़ताल पे चले गए हैं। तो इसके बाद गांव में जो मनरेगा के कार्य हैं, जो भी दिशा निर्देश जिले से एवं हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं गांव से उन कामों को संपन्न। ऋषिकेश महापौर अनिता ममगई ने सकुशल अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि ऋषिकेश नगर निगम में शामिल होने के बाद हुए पहले चुनाव में अनिता ममगई ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद मेयर अनिता ममगई ने लगातार विकास कार्यों को गति देकर ऋषिकेश का समुचित विकास किया है। 3 साल पूरे होने पर निगम पार्षदों और कई शहरवासियों ने मेयर को पुष्पगुच्छ के साथ उन्हें मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने अगले 2 साल में पार्किंग संजय झील का निर्माण और बैराज जलाशय में वाटर स्पोर्ट शुरू कराने के साथ त्रिवेणी घाट में गंगा की धारा को प्रमुख घाट तक लाने का कार्य को प्रमुख लक्ष्य बताया है। सबसे पहले तो मैं आज सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आज उनके आशीर्वाद से नगर निगम में हमने पदभार ग्रहण करते हुए कार्यकाल के 3 साल वर्ष पूर्ण कर दिए हैं। हमारे स्वच्छता परिवारों की कड़ी मेहनत से, जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनकी कड़ी मेहनत से, मजबूत नेतृत्व क्षमता से और जनता के सहयोग से आज हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2020-21 में आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में प्रथम। देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा नेताओं ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इस रैली की सफलता के लिए प्रदेश भर के पार्टी के छोटे बड़े सभी नेताओं ने जिम्मेदारी दी गई, जिसके चलते गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष, प्रतिनिधि व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील राठी सहित कुछ और लोगों को किसानों को रैली में जाने की जिम्मेदारी दी गई। रैली की सफलता के लिए दोनों नेताओं ने किसानों से संपर्क करना शुरू भी कर दिया है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के
लिए अमन त्यागी का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं सुशील राठी ने दावा किया कि पीएम मोदी की रैली में अन्य विधानसभाओं के अलावा सबका अधिक भीड़ मंगलौर विधानसभा की होगी, जो ऐतिहासिक होगी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की 4 तारीख में आगामी होने वाली देहरादून में जो विशाल जनसभा है, उसी के निमित्त आज मेरा राठी जी से मिलना हुआ है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ से किसान लोग, कुछ किसानों के अंदर उत्साह है, और वो उत्साह इसलिए है क्योंकि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश से भी 5 रुपये अधिक गन्ना समर्थन मूल्य जो दिया है, आज किसानों के अंदर वो उत्साह की लहर है। और भाड़े में भी पहले 11 रुपये भाड़ा था ट्रांसपोर्टेशन का जो वो था, उसमें भी 1.5 रुपये कम किए हैं, 9.5 रुपये है। और इसी को लेकर के हमारे परिवार के मैं सम्मिलित हुए हैं, मेरे तो मित्र हैं पहले से ही सुशील राठी जी, और कोऑपरेटिव के बहुत दिग्गज नेता हैं हरिद्वार जिले के। आपके आने से निश्चित रूप से मंगलौर विधानसभा ही नहीं, पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपसे आज मेरा मिलना हुआ है, यहाँ पर आना हुआ, मेरा सौभाग्य, मेरे मित्र हैं, बस यही कार्यक्रम। विश्व के जो सशक्त इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व के नंबर वन प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, 4 तारीख को देहरादून आ रहे हैं, तो उसी के संबंध में अमन त्यागी जी के संगठन के पदाधिकारी भी हैं, तो आज आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने, जो वर्तमान में संगम विहार विधानसभा के विधायक भी हैं, दिनेश मोहनिया ने काला ढूंढी में रोड शो में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समर्थकों का उत्साह ही पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। दिल्ली और पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होते हुए भी लोगों की बुनियादी चीजों की जरूरत होती है, उसे उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आपके जिलाध्यक्ष संतोष कबड़वाल ने कहा कि दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ शंखनाद कर दिया है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय दिनेश मोहनिया जी का हमारी विधानसभा में प्रथम बार राजनीतिक कार्यक्रम में आगमन हुआ है, और आज हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया है माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर हमने सभा करके कालाडूंगी विधानसभा के अंदर शंखनाद कर दिया है भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ कि आगामी चुनाव में भारी मतों से यहाँ हमारे कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़े होने वाली है, उनको सहयोग करने वाली है, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत के साथ इस पूरे प्रदेश के अंदर और इस विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है। आप कहते हैं कि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, परिस्थितियाँ भिन्न हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या यहाँ पर अस्पताल अच्छे नहीं होने चाहिए, क्या स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए, क्या बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए? जब सरकार की नीयत हो तो सब चीज़ संभव है, हर चीज़ हो सकती है। जैसा कि अभी आपको फ्री बिजली के लिए मैंने बताया कि हर विधायक, हर एमएलए, हर मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिलती है, तो जो सुविधा। रुड़की के इंडियन बैंक में स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ मिलकर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि बैंक मैनेजर उनके साथ अभद्रता करता है। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रही महिलाओं को शांत करवाया और बाद में बैंक मैनेजर विपिन पांडे से पूछताछ की, तो बैंक मैनेजर ने ये आरोप गलत बताए। पुलिस मामले के आगे की जाँच में जुटी हुई है। इनकी साथ है, समूह में ही है, और कैंडिडेट भी आए हुए हैं और मैम भी आई हुई हैं सर, लेकिन आज मजबूरी में हमें इतनी सारी लेडीज को लेके आना पड़ा है यहाँ से, वरना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह कि भाई आके और यहाँ पे हल्लाबाजी करो, ठीक है ना सर। और हमने ना चेक बुक के लिए भी, इन्होंने बोला कि चेक बुक के लिए अप्लाई करो, हमने फॉर्म भरे, कागज भी भरे, सारी लेडी को भी लेके आए थे जिनके सिग्नेचर होने थे वो भी, और फोटो वगैरह सब कंप्लीट करके दिया इनको काम, लेकिन वो तक भी कह रहे थे कि डाकखाने में चल जाएगी तुम्हारी चेक बुक, लेकिन वहाँ भी सर कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। एक लेडी को, हमारे 9 ग्रुप चल रहे हैं सर, और मैं श्री गणेश से हूँ, कोषक अध्यक्ष हूँ, लेकिन सर ना तो 3-4 लेडी को लेके आए थे। समस्याएं थी जो टेक्निकल मर्जर के कारण थोड़ी खींच गई, क्योंकि जब से टेक्निकल मर्जर हुआ है कुछ चीज़ें जल्दी नहीं हो पाती हैं। जी सर। अच्छा, कुछ समस्याएं ऐसी थी कि इनकी जो है 2017-18 से जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं वो एकदम से नहीं हो पाएंगी, तो मोस्टली हमने कोशिश की है कि इनकी चीज़ें 10-15 दिन के अंदर हम सुलटा दें। देखिए ऐसा है इसके लिए तो इसके लिए स्टाफ मीटिंग हम रख करके अपना जो भी जिससे भी जो गलती हुई है उसके लिए
हम बात करेंगे इस बारे में ताकि आगे से ये सब चीजें। अभद्रता का मैनेजर साहब से विकासनगर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाओं का धरना आज 11वें दिन बाद क्रमिक अनशन जारी है। धरने पर बैठी महिला समूह व आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हो रही धांधली, सौतेले व्यवहार और भ्रष्टाचार को लेकर काफी दिनों से हंगामा कर रही है। बता दें कि पिछले एक महीने से वो प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन इतने दिनों से धरना देने के बाद भी महिलाओं को राहत नहीं मिली। समूह की महिलाओं ने आज 11वें दिन भी धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उससे जुड़ी हुई मात्र शक्ति उनकी जो मांगे हैं वो इस बात को लेकर कि जो टेक होम राशन है उसका जो सिस्टम है तमाम जो कुछ चंद लोगों के हाथ में उस मामले को लेकर के और इस मामले को लेकर के सीडीओ की तरफ से जो जिला विकास अधिकारी हैं डीपीओ हैं उनकी तरफ से विज्ञप्ति जारी हुई थी और उसमें लास्ट डेट पिछले महीने की थी शायद अक्टूबर में, लेकिन हाँ 16 अक्टूबर, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद भी उस पर कोई प्रक्रिया अब तक गतिमान नहीं है शायद इस बात को लेकर के, क्योंकि जो इसके विभागीय मंत्री हैं रेखा आर्य, श्रीमती रेखा आर्य जी, उन्होंने पहले इसको निरस्त करने की बात की थी, उसके बाद फिर उन्होंने रेस्टेंट इसको किया, उस प्रक्रिया को दोबारा जारी रखने के आदेश सीडीओ को दिए थे, लेकिन अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा कहना यह है कि जो हमारी मातृशक्ति ये 10-12 दिन से यहाँ बैठी हुई है इसके बारे में संज्ञान इनको जरूर लेना चाहिए, चाहे प्रशासन हो चाहे तमाम। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।